हमास और इसराइल में जारी जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और इसराइली फोर्सेस के हमास के जंगजुओं को ख़त्म करना इम्तहान बनता जा रहा है। ऐसे में इसराइल के इंटेलिजेंस हुकाम ने एतराफ़ किया है कि इसराइल के लिए हमास का खात्मा मुमकिन नहीं, क्योंकि अमेरिका ने इसराइल का साथ छोड़ दिया है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस हुकाम का कहना है कि गजा में कई माह से जारी तवील लड़ाई के बावजूद वो अपना हदफ हासिल नहीं कर पाएंगे। इसी दौरान ज़राए ने खबरदार किया कि गजा पर चढ़ाई की बुनियादी मकसद में नाकामी का खदशा है, क्योंकि इसराइल के लिए आलमी हिमायत खत्म होती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल समझता है कि इसने शुमाली गजा में हमास की मरकजी कमान और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तितर बितर कर दिया है, लेकिन हमास को गुरीला अंदाज से मदाहमत अब भी जारी है, जो इसराइली अफवाज के लिए मुश्किल का सबब बन रही है। दूसरी जानिब फलस्तीनी मदाहमत तंजीम हमास ने भी दो टोक अल्फाज में इसराइल को वाज़ेह पैगाम दिया है। हमास का कहना है कि अहदाफ के हुसूल तक किसी भी इसराइली जरगमाली को रिहा नहीं करेंगे। हमास की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइल के साथ फैसला कुनूर सनसनी खेज मुजाकराती जंग लड़ रहे हैं, जिसमें जीत हमारी होगी। हमास का कहना है कि हम अपनी शराइत पर मजबूती के साथ डटे हुए हैं। गजा पट्टी में हमलों की मुकम्मल रोकथाम और इसराइली फोर्सेस का इनखला अहम शराइत है। हमास का कहना है कि शुमाली इलाकों से नकल मकानी करने वालों की वापसी भी मुजाकरात की अहम शर्त है। दूसरी जानिब कतर में गजा जंग बंदी पर मुजाकरात जारी हैं। कतर का कहना है कि जंग बंदी मुजाकरात की टाइमलाइंस के बारे में कोई अपडेट नहीं, ताहम पुरउम्मीद हैं। इधर अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में जंग बंदी करारदाद के बाद भी गजा में इसराइल के हमले मुसलसल जारी हैं। इसराइली फौज ने पनागदीन कैंप में एक घर पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 8 फलस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। फलस्तीनी पनागदीनों के लिए काम करने वाली अक़वामे मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी अनरवा का कहना है कि सलामती कौंसिल में जंग बंदी की करारदाद मंजूर होने के बावजूद इसराइली फोर्सेज की कार्रवाइयाँ जारी हैं। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली वहशियाना हमलों पर अब तक 13,750 बच्चे शहीद हो चुके हैं। अनरवा का कहना है कि इसराइल अस्पतालों और करीबी इलाकों में जंगी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं और इसराइली फोर्सेस अल शफा अस्पताल, खान यूनस के अलामल और नासिर अस्पतालों में कार्रवाइयां कर रही हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में 32,490 फलस्तीनी शहीद जबकि 74,899 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब इसराइल की हठधर्मी जारी है और अब गजा के इलाके रफा में हमलों की मनसूबाबंदी भी मुकम्मल कर ली है। इसराइली अखबार के मुताबिक रमजान के फौरी बाद रफा में 6 हफ्तों तक इसराइली हमलों का मनसूबा बनाया गया है। इन हमलों के बाद गजा से फलस्तीनियों को बेदखल किया जाएगा और इसराइल को मिस्र का बाजाब्ता इतला देगा। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने अक़वामे मुत्तहिदा की करारदाद भी मुस्तरद कर दी और कहा कि हमास को समझ जाना चाहिए कि इसराइल पर आलमी दबाव काम नहीं करेगा। नेतन्याहू ने कहा कि सलामती कौंसिल में अमरीकी फैसला बहुत ज्यादा बुरा इकदाम था। इसराइली वफ्द को अमरीका ना भेजने का फैसला हमास के लिए पैगाम था कि कोई भी आलमी दबाव काम नहीं आएगा। गजा में इसराइली जारियत के साथ नहते फलस्तीनियों को खुराक और जिंदगी की बुनियादी जरूरियात की किल्लत का भी सामना है। अक़वामे मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने शुमाली गजा में कैद के शदीद खतरे का इंतबाह जारी कर दिया। अक़वामे मुत्तहिदा के मुताबिक जारी खुराक के शदीद बहरान के बाइस बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं।